सिंगरौली स्थित एस्सार पावर प्लांट क्षेत्र के विस्थापितों ने समस्याओं को लेकर पावर प्लांट गेट के सामने चक्का जाम किया। विस्थापितों ने रोजगार, विस्थापितों का बकाया भुगतान और विस्थापित गांवों के विकास न होने को लेकर एस्सार कंपनी के विरोध में जमकर नारे लगाए। एस्सार पावर प्लांट गेट नंबर 1 पर बड़ी संख्या में विस्थापितों के चक्का जाम से आवाजाही प्रभावित रही। इन विस्थापितों का कहना है कि जब से यहां कंपनी आई है, विस्थापितों के साथ अन्याय कर रही है। इनका एज डैम फूट गया था, उसमें भी दर्जनों किसानों की जमीनें बर्बाद हुई थी, फसल तबाह हो गई थी, जिसका पूरा मुआवजा नहीं दिया गया। विस्थापितों के इस प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद मांडा थाने की पुलिस, स्थानीय प्रशासन एवं जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंच के और विस्थापितों से बातचीत की। इस कंपनी प्रबंधन व विस्थापितों के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कराकर जाम को खुलवाया। माड़ा एसडीएम एसपी मिश्रा, एसडीओपी राजीव पाठक, बंधौर चौकी प्रभारी प्रियंका मिश्रा की उपस्थिति में समझौता पत्र तैयार किया गया है। और इशू ये आ रहा है कि यहाँ पे थार में की बिल्डिंग तहत जो है ठेका देते हैं, ठेकेदार बाहर के लोगों का लगाता है। और हमने लोगों ने यह तय किया है कि स्थानीय लोग जो हैं, युवा बेरोजगार हैं, उनके लिए बना दिया और उनको विस्थापित और जो भी कार्ड के तहत रोजगार पात्रता बनती है बनते हम दे देंगे। तो अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे, अपने निराकार को देंगे और जो स्थानीय लोग हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।